एबीसीडी लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ हैं। विश्वमोहन बताइए आज क्या है स्पेशल? देखिए आज कमोडिटी की एबीसीडी में हम बात करने वाले हैं कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड केक की। कॉटन केक और कॉटन सीड ऑयल होता क्या है? कॉटन जो आप देखते हैं कपास, उसमें जो फाइबर निकाल दे, रुई अगर आप निकाल दे, तो दो तिहाई हिस्सा बीज का होता है और बीज उसी बीज की जो क्रशिंग होती है, पेराई होती है, उससे तेल निकलता है। तो बचा हुआ जो खल होता है वही कॉटन केक के नाम से जाना जाता है, इसकी ट्रेडिंग होती है। और अगर दुनिया में अगर बात करें तो 75 से 90 लाख टन उत्पादन की क्षमता अकेले कॉटन केक की भारत में आने बड़ी मात्रा में भारत सबसे बड़ा इसका उत्पादक है, लेकिन ये कुछ राज्यों तक ही सीमित है, पूरे देश में नहीं है। इस वजह से इसका दायरा बहुत छोटा है और आपको आमतौर पे मिलते नहीं है, लेकिन इसकी कई सारी खासियत है। एक एक करके अगर आपको बताऊं तो कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें तो हेल्थ के हिसाब से भी काफी बेनिफिट माना जाता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल को लेकर हो, चाहे वो बीपी को लेकर हो, कई सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो गुजरात अकेले यहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, 60% कॉटन केक कॉटन सीड ऑयल के ऑयल का इस्तेमाल है गुजरात में होता है, बाकी राज्यों में भी होता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इस तेल से फ्राई की हुई आइटम 3 से 4 हफ्ते तक फ्रेश रहते हैं, बहुत जल्दी खराब नहीं होते बाकी तेल के मुकाबले। और सोया तेल और दूसरा सरसों तेल, इन दोनों तेल के बाद तीसरा सबसे ज्यादा उत्पादन कॉटन सीड ऑयल का ही देश में होता है, लेकिन इसका दायरा अभी भी कुछ ही राज्यों तक सीमित है। वहीं कॉटन केक की अगर बात करें तो कॉटन केक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे मवेशियों के लिए काफी फायदेमंद है। अगर कॉटन केक को अगर मवेशियों को खिलाया जाता है तो दूध की मात्रा काफी बढ़ जाती है। हालांकि महंगा होता है तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कम होता है, आमतौर पे जो सस्ते खल होते हैं उसका इस्तेमाल देश में ज्यादा होता है। ये तो बात हो गई। इसका वायदा कारोबार की बात करें तो NCDX पर इसकी ट्रेडिंग होती है और सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। जिस कारोबार से जुड़े लोग हैं वो हेजिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। 10 मीट्रिक टन का इसका ट्रेडिंग यूनिट है और टिक साइज 50 पैसे के टिक साइज पे इसके प्राइस चलते हैं। 100 का लॉट साइज है और 15% आप शुरुआती जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है उसका 15% मार्जिन देकर ट्रेड कर सकते हो, तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। और इसके बारे में हमने आज इसलिए बताया कि कॉटन केक में 2 दिनों से अच्छी तेजी दिख रही है। अब ऐसे में लग रहा है कि जिस तरह के फंडामेंटल्स है, कॉटन के अराइवल बहुत ज्यादा है, क्या वाकई इसकी तेजी फेक तो नहीं है? लोगों में ये डर लग रहा है, तेजी पे भरोसा करें। तो आज हम बताएंगे आपको 11:30 मुनाफे की मंडी में कि क्या फेक तो नहीं है कॉटन केक की इस बार की तेजी। तो 11:30 पे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कॉटन केक की तेजी कहीं फेक तो नहीं है, इस पर ये हमारी खास पेशकश और बहुत ही आसान भाषा में कि कॉटन केक का वायदा को लेकर जानकारी, कॉटन केक होता क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको रोज मिलते हैं हमारी इस खास सीरीज में कमोडिटी की एबीसीडी। शुक्रिया विश्वमोहन। चलिए आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश